सामने भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य है। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते हैं। ये बदलाव है, ये आपकी ताकत है भाइयों बहनों, आपकी ताकत है ये, आपके वोट बैंक की ताकत इनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रही है। और जिस दिन आप चाहेंगे ये लोग नाक रगड़ करके आपके पास आएंगे कि 1990 के राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों के लिए माफी मांगते हैं, इनको कहना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने कृत्यों के लिए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर सत्ता में रहते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण कर देते हैं, तो फिर सकीबुल रहमान वर्ग क्या करते हैं? क्या करते हैं लोग, ये जो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोग क्या करते फिर? भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा हर व्यक्ति की फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार,